नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी से। एक दर्दनाक हादसा हुआ है शाहपुरा में, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर कैंटर और ट्रक में टक्कर होने से कैंटर में आग लग गई। इस हादसे में एक परिचालक की जिंदा झुलसने से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। झुलसे चालक को इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल एक कैंटर अलीगढ़ से मुंबई जा रहा था। राजमार्ग पर आंतेला के पास लोहे से भरे ट्रक से अचानक ब्रेक लगा दिया गया। पीछे से आ रहे कैंटर की ट्रक से टक्कर हो गई। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है, NH8 पर सड़क हादसे होना आम बात है। इधर आपके चैनल जी राजस्थान न्यूज ने रविवार को ही खूनी NH8 के नाम से खबर प्रमुखता से दिखाई थी, और अब एक और हादसा हुआ है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर आप देख सकते हैं। शाहपुरा के पास NH8 पर यह दर्दनाक हादसा, एक परिचालक झुलस गया, झुलसने से मौत, ड्राइवर भी गंभीर। इस पूरी खबर पर जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अमित यादव से। अमित, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल सुनीता, बताना चाहूंगा ये खूनी जो NH8 अपने कल खबर चलाई थी जी राजस्थान न्यूज ने प्रमुखता से, उसका एक जीता जाता उदाहरण है। जो रात को ही एक कैंटर में आग लगी है, परिचालक की आग में झुलसने से मौत हो गई है, एक गंभीर घायल है जिसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। बिल्कुल ये खूनी NH8 बन गया है पूरा, जो आमेर से लेके शांजापुर तक इतने मतलब 42 पॉइंट किलर पॉइंट घोषित किए गए हैं, उसकी जगह जगह घटनाएं देखी जा सकती हैं। तो सुनिता, इसमें कहने की बात है, कहीं ना कहीं इसमें जो निर्माण कंपनी है, प्रशासन है, स्थानीय या पुलिस, कहीं ना कहीं इसमें लचर व्यवस्था नजर आ रही है। जी सुनिता, बिल्कुल, और यही वजह है कि ये सड़क हादसों की सड़क बन चुकी है। जी मीडिया ने भी इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया है। देखना होगा कि कितनी जल्दी इसका असर होता है। आगे बढ़ेंगे और टोंक का रुख करेंगे, जहां के सावरिया गांव का रहने वाला राकेश शर्मा बुरी तरह आग से झुलस गया। इसके बाद उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। वहीं इस बाबत परिजन चिमनी से झुलसने का कारण बता रहे हैं। इधर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अब रुख करेंगे भरतपुर का, जहां तड़के सुबह दाल बाजार के घड़ियों के शोरूम में आग लग गई। आग इतनी प्रचंड थी कि फायर ब्रिगेड के आग बुझाने तक लाखों की घड़ियां जलकर खाक हो गई। इस बाबत शोरूम मालिक ने कहा है कि आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। वहीं आग की सूचना पर कोतवाली की टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया। और अब बड़ी जानकारी बता दें कि बुधवार को खुलेंगे RCA के ताले। ये जानकारी मिल रही है, खेल परिषद के अध्यक्ष जेसी मोहंती ने खुद विधिक की राय ली है। शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, 9 महीने का लंबा इंतजार, काफी जद्दोजहद और तमाम बातों के बाद अब जाकर RCA का रास्ता साफ हुआ है। बुधवार को ताले खुलेंगे और तकरीबन 9 महीने का समय जब RCA पर ताले जड़े हुए थे, ऐसे में अब अच्छे मुहूर्त का भी ध्यान रखा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ और पलों का इंतजार, कल तक का इंतजार। बुधवार को खुलेंगे RCA के ताले। पहले ललित मोदी का RCA पर राज, उसके बाद पठान गुट का हमला, और आखिरकार अब जाकर बात सुलझ पाई है। पठान गुट ने अविश्वास प्रस्ताव को वापस लिया है। एक बार फिर से कमान मोदी गुट के हाथ में, और अब जानकारी ये कि एक दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द RCA के ताले खोल दिए जाएंगे, लेकिन इस बार मुहूर्त का भी ध्यान रखा जा रहा है। बुधवार को खुलेंगे RCA के ताले। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा से। आशुतोष, 9 महीने की लंबी जद्दोजहद, आखिरकार एक और दिन का इंतजार, बुधवार को ताले खुलेंगे? देखिए, आज का समय दिया गया था 11 बजे का, लेकिन खेल परिषद के जो चेयरमैन हैं जेसी मानती, वो लीगल यानी कि विधिक राय वो लेना चाहते हैं, क्योंकि जो मामला था हाईकोर्ट में लंबा चौड़ा चला, एक लंबा चौड़ा विवाद हुआ, तो किसी भी तरह का कोई गलती वो खेल परिषद नहीं करना चाहता है, RCA नहीं करना चाहता, इसलिए विधिक राय लेने के बाद में ही समय तय किया गया कि अब इसको थोड़ा सा और उसमें समय लग रहा है ताकि बुधवार को किया जाए। दूसरी बड़ी बात यह कि अब RCA में इतना लंबा चौड़ा विवाद चला, इतना पूरा घटनाक्रम चला, तो मुहूर्त का भी ध्यान रखा जा रहा है तौर तरीके से, क्योंकि 9 महीने का लंबा इंतजार है, किसी तरह का कोई विघ्न ना हो, कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो परंपरा होती है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मुहूर्त के मुताबिक RCA का समय अब बुधवार को ताले खुलने का बताया जा रहा है कि बुधवार को RCA के ताले खुल जाएंगे, और खुल जाएंगे किस्मत के ताले उन खिलाड़ियों के जो लगातार आस लगाए बैठे थे कि जो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो जाएंगी, क्रिकेट की जो लगातार उनके टूर्नामेंट है वो उनको मिलने लगेंगे।
बिल्कुल, क्योंकि इस तमाम उठापटक में नुकसान आखिरकार खिलाड़ियों का ही हो रहा था। अब सिर्फ एक और दिन का इंतजार। शुक्रिया आपका आशुतोष। और एक और बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां निगम में गैराज समिति की बैठक की जा रही है। गैराज समिति चेयरमैन मान पंडित की अगुवाई में ये बैठक चल रही है। समिति के फैसलों को वापस लेने पर फैसला हो सकता है, ये भी जानकारी है। कचरा परिवहन वाहनों को सफाई समिति के अधीन लाने का भी फैसला हो सकता है वापस। साथ ही सफाई समिति के चेयरमैन का ऑडियो लीक होने के बाद भी फैसला होगा इस मामले पर। वहीं आपको याद दिला दें कि जी मीडिया ने सबसे पहले भ्रष्ट चेयरमैन के भ्रष्टाचारों की खबर दिखाई थी। खबर के बाद निगम प्रशासन में हड़कंप मचा था और आज ये अहम बैठक। इस बैठक के बारे में जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता वरुण भंसाली से। वरुण, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हमने बताया था कि सफाई चेयरमैनों ने किस तरह से मलाई काटी और किस तरह से वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। यही सफाई चेयरमैन जो गैराज के इक्विपमेंट होते हैं, कचरा परिवहन के वाहन होते हैं, इनको भी अपने अधीन लेकर उसमें भी मलाई काटने के विचार में थे। लेकिन आज गैराज समिति की बैठक में उस फैसले को वापस लिया जा सकता है और ये जो कचरा परिवहन के वाहन है उन्हें गैराज समिति के अंडर ही रखे जाने का फैसला होगा। और जो भी सफाई समिति के साथ संयुक्त रूप से फैसले हुए थे वो सारे फैसले वापस लिए जा सकते हैं। अभी बैठक जारी है, कुछ ही देर में बैठक खत्म होगी। सफाई समिति चेयरमैन मान पंडित इस बैठक को ले रहे हैं। जी सुनीता, बिल्कुल, निगम सिर्फ पहला मामला नहीं वरुण, लगातार सवालों के घेरे में रहा है। अलग अलग मामले में जी राजस्थान न्यूज ने भी इतना बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ और ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि आने वाले दिनों में कुछ लगाम लगाई जा सके? देखिए, जी मीडिया के खुलासे के बाद लगातार जो है बहुत सारी चीजें हो रही है, हड़कंप मचा हुआ है निगम में। आज वाल्मीकि समाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि वाल्मीकि समाज का जो हक मारा जा रहा है, सफाई कर्मचारियों का जो हक मारा जा रहा है, उसके खिलाफ भी वो बुधवार को व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे उग्र प्रदर्शन होगा। सफाई व्यवस्था ठप करने तक की भी चेतावनी उन्होंने दी है और साफ तौर पर कहा है कि अगर सफाई व्यवस्था ठप नहीं करनी है तो उनकी मांगे मानी जाए और इन भ्रष्टाचारियों की वजह से उनके हक नहीं मारे जाएं। जी सुनीता, बिल्कुल, फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा इस बैठक के खत्म होने का। शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। तो निगम में गैराज समिति की बैठक, गैराज समिति चेयरमैन मान पंडित की अगुवाई में जारी, बैठक के खत्म होने का इंतजार, कई अहम फैसले होने की उम्मीद। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, जी मीडिया ने सबसे पहले भ्रष्ट चेयरमैन के भ्रष्टाचार की खबर आप तक पहुंचाई थी। इस खबर के दिखाए जाने के बाद निगम में हड़कंप मच गया था और अब ये अहम बैठक जिसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं। और अब बात करेंगे आतंकी सिराजुद्दीन की। जयपुर से गिरफ्तार आईएसआईएस एजेंट सिराजुद्दीन की 10 दिन के रिमांड आज खत्म हो रही है। सिराजुद्दीन को आज 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि सिराजुद्दीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। कर्नाटक के गुलबर्ग में ये रहता था, वहीं का रहने वाला है और सिराजुद्दीन पिछले 1.5 साल से जयपुर में था। सिराजुद्दीन जयपुर के जवाहर नगर इलाके के जवाहर एनक्लेव में रहता था और आज काफी अहम दिन इस पूरे मामले का, क्योंकि आज पेशी सिराजुद्दीन की दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 10 दिनों के रिमांड पर सिराजुद्दीन को लिया गया था। इस दौरान उससे तमाम बातों की पूछताछ की गई थी और अब इंतजार उसकी पेशी का, दोपहर 2 बजे होगी पेशी। बता दें कि कर्नाटका का रहने वाला है सिराजुद्दीन मूलतः, लेकिन पिछले 1.5 साल से जयपुर में रह रहा था, जयपुर के जवाहर नगर इलाके के जवाहर एनक्लेव में फ्लैट नंबर 605 में रहता था। जांच एजेंसियों की माने तो सिराजुद्दीन आतंकी संगठन आईएसआईएस का एजेंट है। सिराजुद्दीन भारत में नौजवानों को आईएसआईएस से जोड़ने के मिशन में लगा हुआ था, लेकिन इसी दौरान ये बड़ी कामयाबी भारतीय एजेंसियों को हम कह सकते हैं। गिरफ्त में सिराजुद्दीन, आज पेशी दोपहर 2 बजे। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा से। आशुतोष, क्या अपडेट्स हैं? लंच के बाद दोपहर 2 बजे समय तय किया गया है जब जयपुर एटीएस सिराजुद्दीन को कोर्ट में पेश करेगा और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि एक बार फिर से उसको रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि जो कनेक्शन सामने आ रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तीसरे राज्य में लगातार संपर्क साधे गए इंटरनेट पर और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, उनको भी खंगाला जाएगा। और ऐसे में संभव है कि पूछताछ के लिए अन्य जो एजेंसियां हैं वो सिराजुद्दीन से आगे की पूछताछ करें।
दस दिन की रिमांड पे लिया गया था, वो अवधि आज पूरी हो गई है। कोर्ट में पेशी के बाद एटीएस ये प्रयास करेगा कि उसको रिमांड पे लिया जाए। दूसरी तरफ जिस राजदीप के वकील है उनकी तरफ से भी निचली अदालत में उसकी रिहाई को लेकर एक एप्लीकेशन लगाई गई है, तो उसकी क्या कुछ सुनवाई होती है जी, वो भी बात साफ हो जाएगी दोपहर बाद। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया आपका आशुतोष, आप नजर बनाए रखें, दोपहर 2 बजे होगी राजदीप की पेशी। आगे बढ़ेंगे, करौली का रुख करेंगे, जहां पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। परिवहन विभाग में चोरी के वाहनों का धड़ल्ले से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ऐसा करने वाला परिवहन विभाग का आरोपी बाबू स्टैंडिंग वारंट और फरार घोषित होने के बावजूद करौली के ही परिवहन विभाग में पंजीयन शाखा में बिना किसी रुकावट और डर के नौकरी भी कर रहा है, जबकि पुलिस उसे लगातार फरार बता रही है। जिस आरोपी को सलाखों के पीछे होना चाहिए, पुलिस उसे गिरफ्तार करने की बजाय फरार बता रही है। मामला जिला परिवहन विभाग की पंजीयन शाखा से जुड़ा है, जहां बाबूलाल मीणा के खिलाफ फर्जीवाड़े के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली ने उसे 11 फरवरी 2015 को फरार घोषित कर दिया, साथ ही स्थायी वारंट भी जारी कर दिया, जबकि वो लगातार करौली के जिला परिवहन कार्यालय में नौकरी कर रहा है और पुलिस उसे फरार बताकर गिरफ्तार नहीं कर रही। लोक अभियोजक द्वारा और पुलिस द्वारा इनको मुलजिम माना गया है, प्रमाणित मुलजिम है। राजस्थान उच्च न्यायालय से इन मुलजिमों की अग्रिम जमानत निरस्त हो चुकी है, जिसमें अनेक लोग गिरफ्तार होकर के जमानत पा चुके हैं और अनेक अभी तक ये सरकार परिवहन विभाग के निरीक्षक और बाबू आज तक भी दोषी होने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो पा रहे। दरअसल दिसंबर 2009 से फरवरी 2010 तक 4 बोलेरो गाड़ी और 1 बोलेरो मैक्स पिकअप जयपुर और आगरा से चोरी होकर करौली आई, जहां पर परिवहन विभाग की पंजीयन शाखा में लिपिक के पद पर कार्यरत बाबूलाल मीणा और उप निरीक्षक रूप नारायण चंदेल ने रजिस्ट्रेशन जारी कर दिए और ये सब बिना जांच पड़ताल के कर दिया गया। जब जांच हुई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। करौली थाने में बाबूलाल मीणा के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। इस केस में अग्रिम कार्रवाई उनके स्तर पर ही अपेक्षित है। अगर उनके द्वारा जिला पुलिस से रिक्वेस्ट की जाती है इसकी गिरफ्तारी के लिए, तो हम तुरंत गिरफ्तारी अमल में लाएंगे। गुनहगार सामने है, कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी कर दिया है, लेकिन पुलिस है कि आरोपी को पकड़ ही नहीं रही है। धर्मेंद्र शर्मा, जी मीडिया, करौली। और अब रुख करेंगे झालावाड़ का, जहां जिले के बकानी कस्बे में सरकारी पैसों के दुरुपयोग का मामला सामने आया। यहां एनिकेट का दोबारा निर्माण कर सरकारी मद का दुरुपयोग किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले भी वाटरशेड योजना के तहत इस नाले पर एनिकेट बनवाया गया था। वहीं इस मामले में विकास अधिकारी फौरन कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं और ग्राम सचिव ने इस मामले की जांच के निर्देश भी दे दिए हैं।